के लोग हमारे लिए लाभकारी है, क्योंकि जिस वातावरण में हम रहते हैं जहां न खान पान शुद्ध मिलता, प्रदूषित रहते वातावरण मिलता है, चाहे घर है उससे दुकान है कहीं भी, हर जगह टेंशन है, ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखना कोई आसान काम नहीं है, वो संभव केवल योग द्वारा, और ये आजकल हर एक समझ रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं कि लाभकारी है, वो है आप कहिए कि भाई जैसा कि आप जानते हैं योग आज के जीवन में अति आवश्यक है हर एक के लिए, चाहे स्त्री है, जवान है, वृद्ध है, पुरुष है, कोई भी है, सबके लिए जरूरी है। खुशी होती है कि हमारे थोड़े से समय देने से इतना लाभ मिल गया। हाँ देखिए 100 क्लासेज होगी, देखिए कितनी खुशी की बात है, कितने लोगों को लाभ पहुंच गया। तो ये चीजें हैं, तो ये मैं आपको ये प्रेरणा दे रहा हूं कि आप भी इसी तरह जो अच्छे शिक्षक हो गए हैं वो अपनी क्लास का मोह छोड़े 15 दिन के लिए, मैं ये नहीं कह रहा परमानेंट छोड़े, और पड़ोस में किसी भी पार्क में जाए नया केंद्र खोले। आपको सहयोग की जरूरत है, यहां के अधिकारी देंगे, यहाँ के अधिकारियों में तो और बोलिए, दिल्ली से मिलेगा, ऑल इंडिया से मिलेगा, सहयोग पूरा मिलेगा आपको। बड़े सक्षम में बहुत सेवा करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करना आप बताइए, हम शिक्षक की व्यवस्था करेंगे, सब करेंगे, सारे प्रोग्राम कराएंगे, ये चीजें हैं। और आपको एक अनुभव मिलेगा, अनुभव अनुभव के आधार पर देखिए, मैंने धीरे धीरे जो है 3 पुस्तकें लिखी यहाँ पर, कौन सी मालूम है, मुद्रा रहस्य, दूसरी हाँ सत्कर्म विज्ञान, और तीसरी हाँ त्रातक साधना है। तो ये लिखी ये सभी चीजें, और उसमें देखिए एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, मैंने बहुत अध्ययन किया, जब सत्कर्म विज्ञान लिखी, क्योंकि संत प्रसाद मैंने ही शुरू कराया था भारतीय योग संस्थान, मैं सीख के आया था पहले नागपुर में, और वो यहां शुरू कराया था सट, तो उसमें जो चीजें हमारे सामने आई, मैंने काफी पुस्तकों का अध्ययन किया, कहीं भी ये मालूम नहीं पड़ा कि एक आदमी को पानी पीते उल्टी हो जाती है, वो आगे क्रिया नहीं कर पा रहा, मैंने काफी अध्ययन किया कहीं नहीं मिला, लेकिन अनुभव के आधार पर मेरे अंदर ये बात आई और वो चीज मैंने उसमें लिखी है। फिर क्या कि अगर किसी को वोमिटिंग आ रही है बार बार पानी पीते ही, तो उसको क्या करना, संप्रसारण क्या है, हमारे 5 वाल्व है, 5 आसन द्वारा उनको खोलते हैं ताकि वो सीधा नीचे की तरफ जाता रहे, वरना हर एक में टाइम लगता है, यहाँ इतना टाइम लगेगा, यहाँ 4 घंटा लगेगा, यहाँ 2 घंटा लगेगा, यहाँ करके जो यहाँ से खाया पिया है उसको नीचे 16-17 घंटे लग जाते हैं जाने तक, लेकिन वाल खोलते हैं तो हम वो फटाफट नीचे खिसकाते हैं उनको आसन द्वारा। तो मैंने कहा उसका पानी नीचे नहीं खिसक रहा है तो इसका मतलब उसका वाल नहीं खुल रहा है, वाल नहीं खुल रहा है इसका मतलब उसका आसन ठीक नहीं रहा है। तो मैंने उनको दोबारा फिर सेट कराया, मैंने कहा बिना पानी पिए आप दोबारा फिर करिए सेट को, वो करवाया और उसके बाद फिर पानी पिला के फिर करवाया तो फिर उसका ठीक हो गया। तो अनुभव के आधार पर यह चीज मेरे सामने आई, मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या करना। तो ये चीजें आपको अनुभव मिलेंगे, अपने नए नए अनुभव, उनका लाभ उठाइए, बड़ी अच्छी चीज है। सत्कर्म में देखिए 6 क्रियाएं होती है, नेति, धोति, पस्ति, नोली, त्राटक और कपालभाति, 6 क्रियाएं इसमें आती है, और इसमें शरीर की शुद्धि हो जाती है, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। महिलाओं को जो भी खास दर्द है उनके लिए विशेष मुद्राओं थोड़ी सी बता दें। अच्छा हाँ वो चलो बताते हैं। तो ये क्रियाएं आपकी 6 आ गई। मुद्राओं में आजकल बात ये हो रही, करें जोड़ों में, जोड़ों का दर्द की बात में आ रही है आजकल, ये बहुत हो रहे हैं। कारण क्या है, हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारा जो है हम योग अभ्यास या जो भी कहिए शारीरिक रूप से कार्य नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, शारीरिक रूप से कार्य नहीं करते, तो ये सारी चीजें होके ये ज्वाइंट स्प्रेन बन जाते हैं, चाहे घुटनों का आजकल आम हो रहा है, लोग चेंज कराने लग रहे हैं। अब ये क्या होता है, देखिए क्या, जब हम निष्क्रिय हो जाते हैं, शारीरिक रूप से काम नहीं करते हैं, तो इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक नहीं पहुंचता, तो वो एक मुख्य कारण बन जाता है। फिर उसके कारण दूसरा होता है, मान लो आपके जोड़ों में घुटने में दर्द है, अब इसके कारण कितने बनेंगे, एक तो देखिए आपको यूरिक एसिड बनता है, तो यूरिक एसिड के कण वहां पर पहुंच जाते हैं, तो जब किसी घुटना मोड़ते हैं तो उसमें उसका जो रगड़ लगती है उससे दर्द बन जाता है। दूसरा एक सोलियल फ्लूड होता है हमारे घुटनों में, सारे जोड़ों में, तो सोलियल फ्लूड जो है अगर वो नहीं बन पा रहा है उससे सूख जाता है, फिर आपको मोड़ते समय उठते बैठते कैसे कड़क कड़क की आवाज आएगी, तो वो चीजें हो जाती।
दूसरा जो है आपके ये जो लिगामेंट्स वगैरह हैं, आपकी एक्सरसाइज ठीक नहीं हो रही, वो सख्त बन जाते हैं तो उसके कारण दर्द बन जाता है। तो ये कई कारण बनते हैं। तो इसके लिए पहली तो चीजें ये हैं कि भाई इनको ठीक करना, अपना खान पान ठीक करना, नियमित एक्सरसाइज करें, है ये सारी चीजें करें। कई बार एक चीज और मैं बता देता हूं, एक चीज जो जिसमें हम ध्यान नहीं देते, हमारी सोच का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए सोच को पॉजिटिव रखना है हमेशा, उसको नेगेटिव नहीं बना। जैसी सोच होगी उसी के अनुसार रस ग्रंथियां रस छोड़ती है और उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर आ जाता है। तो आपकी नई सोच को सकारात्मक करें, नियमित योग अभ्यास करें, खान पान आपके ना ठीक रखें, इससे आपके ये आगे कोई बीमारी नहीं आएगी। सूक्ष्म व्यायाम देखिए हमारे कितने हाथ के हैं, पैरों के हैं, गर्दन के हैं, सूक्ष्म व्यायाम करिए ना, आपके सारे जोड़ जो है, जितने भी ज्वाइंट्स हैं सब आपके एक्टिव हो जाते हैं उससे, सूक्ष्म व्यायाम करने से। तो वो करिए और खान पान अपना ठीक रखिए। इसके अनुसार मुद्राओं में ऐसा है, जोड़ों के लिए ज्वाइंट्स के लिए वायु मुद्रा सबसे ज्यादा लाभकारी। वायु मुद्रा क्या है? मुद्राएं वैसे होती क्या है? मुद्राएं जनरली हम सोचते नहीं, अपने आप ही बन जाती है। आपने देखा कभी सामने वाला कहता है हाँ जी क्या बात है आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, खुशी तो मेरे को हो रही है और मालूम उनको पड़ रहा है, वो बता रहे हैं कि आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, या कोई कमी की बात हो रही तो कहते क्या बात है आज ऐसा क्या हो गया जो दुखी नजर आ रहे हो, होता है ना। तो ये चीजें यानी कि हमारा शरीर ही बता देता है। मुद्राएं जो है शरीर की ऐसी स्थिति जो ऊर्जा केंद्र के किसी अंग का नियंत्रण करती हो, पहली चीज, और दूसरी चीज प्राणों के प्रवाह को सम करती हो, वो मुद्रा बनती है। एक तरह का पोज होता है जो पोज आपने बनाया। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनती रहती है और बहती रहती है, है? उसको क्या प्लाज्मा रेज बोलते हैं, क्या वो जो शरीर से निकलती रहती है पूरे शरीर में। आपने कभी देखा आपने अपने किसी इष्ट देव को भगवान को उसका फोटो देखा है आपने? उसके फोटो में क्या होता है, चेहरे के ऊपर ऐसी वो बना देते हैं चारों तरफ किरणें निकलती हैं। कभी सोचा आपने क्या है? ओरा। और वो निकलता समय हमारे भी निकलता है, उनमें भी निकलता है, लेकिन उनमें ज्यादा निकलता है तो उनका तो फोटो में आ गया, हमारा नहीं आता क्योंकि हमारी कम निकलती है। यही तो अंतर है? है। तो ये ऊर्जा हमारी बहती रहती है हर एक में से, और ये नाड़ियों के अंतिम छोर है ना, चाहे उंगलियां हैं या अंगूठा है, पैर की उंगली ये है, अंतिम छोरों से ज्यादा निकलती है, उसमें से ज्यादा निकलती है। तो मुद्राओं में हम क्या करते हैं, तो ये मुद्राएं अपने आप बन जाती हैं, कोई ऐसे ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है इसमें, सिर्फ अंतिम छोरों को मिलाने की बात है, उससे मुद्राएं आपकी बन गई और बाकी चेहरे पर अपने आप आपके भाव पर होते हैं। आपको कोई मिला, आपने नमस्कार किया, आपके नमस्कार मुद्रा बन गई। किसी बच्चे ने आपके पैर छुए, आपका हाथ ऐसे उठ गया ऑटोमेटिक, आपकी आशीर्वाद मुद्रा बन गई। तो ये ऑटोमेटिक बनती है, ये हमारे भाव हैं, हमारे अंदर के भाव प्रकट होते हैं मुद्राओं के द्वारा, वो चीजें हैं। तो ये हमारे शरीर में पांच जो है तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पांच तत्व हैं जिनसे शरीर बना है। मुद्राएं जो है हस्त मुद्रा है, ये पांचों तत्वों को प्रभावित करती है, पांचों तत्वों को, अंगूठा अग्नि तत्व को, पहली उंगली वायु तत्व को, दूसरी उंगली आकाश तत्व को, तीसरी उंगली किसको, पृथ्वी को। पहले इसमें थोड़ा सा वो आ जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है, पहले पुरानी पुस्तक में जो पहले थी उसमें यहाँ जल तत्व लिखा था, यहाँ पृथ्वी लिखा था, तो हमने परिवर्तन कर दिया था उस पुस्तक में भी। तो ये पृथ्वी तत्व और ये जल तत्व, लास्ट वाली जल तत्व, तो पांचों तत्वों को प्रभावित करते रोजाना आप बनाते ज्ञान मुद्रा, ठीक है ना, ज्ञान मुद्रा, ये मुद्रा में आ गई। आपने दो उंगलियां अंदर मोड़ के कहा, ये कौन सी होगी, प्राणायाम मुद्रा हो गई। तो अभी हम जो बात करेंगे एक ही मुद्रा की बात करेंगे, वायु मुद्रा। पहली उंगली और अंगूठे जब लास्ट पॉइंट मिलाते तो ये बनती है हमारी ज्ञान मुद्रा, और इसको अंदर ले जाए। देखिए तत्व जो है अगर हम लास्ट पॉइंट मिलाते हैं तो सम होते हैं, और अगर अंगूठे के नीचे गद्दी के साथ लगाते हैं तो कम होते हैं तत्व हमारे, और अंगूठे को अगर उंगली के नीचे लगाते हैं तो बढ़ते हैं, तो हमें ज्यादातर सम करने होते हैं। लेकिन वायु तत्व एक ऐसा है वो ज्यादा हो गया तो उसको कम करना है, तो कम करने के लिए उंगली को
अंगूठे की जड़ में लगाते हैं और ये सेकंड पोरा है, इसको थोड़ा दबा देते हैं, बाकी तीनों उंगलियां सीधी। ये है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा, इससे 51 तरह के रोग जो दूर होते हैं, वायु विकार संबंधी जितने हैं ये सारे हो जाते हैं। ये ज्वाइंट पेन भी वायु विकार में ज्यादा आते हैं ज्यादातर। तो इस तरह करके तो ये वायु विकार में जो है, ये बीच में जो आपके पैरों में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, आपके गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, ये कोई भी है, ये सारे दूर होते हैं। तो ज्वाइंट पेन के अंदर ये वायु मुद्रा बहुत लाभकारी है, तो इसका अभ्यास करें आप। मुद्रा ऐसे में सारी चीजें दी हुई है, उसमें आप देख लें ध्यान से और इस तरह करके इसका अभ्यास करें। बाकी संपर्क संख्या समारोह है, आप करिए। अगर सभी लोग दिल्ली नहीं जा सकते तो आप लोग यहीं पर व्यवस्था कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी करी हुई है। बहुत अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छा है, है? और ये आप सभी को करना चाहिए। ऋतु परिवर्तन के समय इसका बहुत लाभ मिलता है। जो ऋतु परिवर्तन के परिवर्तन होते हैं वो आप पे नहीं आएंगे। घुटनों में कम नहीं, हथेलियां बिल्कुल कंधों की सीध में सीधा ऊपर, बहुत बढ़िया। नाभि पर विशेष प्रभाव पड़ता हुआ।